कुमकुम भाग्य है एक ऐसा सीरियल जो अपने ड्रामा से भरपूर कहानी के साथ पिछले 6 सालों से लोगों का फेवरेट शो बना हुआ है। साथ ही फेवरेट बनाई हुई प्रज्ञा के किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस श्रुति झा, जो भोली भाली प्रज्ञा के किरदार को निभाकर पिछले 6 सालों से लोगों का दिल जीत रही हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रज्ञा का ये रोल श्रुति झा से पहले टीवी की कुछ फेमस एक्ट्रेस को ऑफर हुआ था, पर उन सभी ने इस शो को किसी न किसी वजह से ठुकरा दिया था। और आज उन सभी ने देखा कि इस किरदार में श्रुति झा काफी फेमस हो गई हैं, तो वो सभी इनकी पॉपुलैरिटी को देख इस शो को ठुकरा कर आज बहुत पछता रहे हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको टीवी की उन्हीं एक्ट्रेस से रूबरू कराने वाले हैं जो प्रज्ञा के रोल को ठुकरा कर काफी पछता रहे हैं। तो आइए जानते हैं कौन सी वो एक्ट्रेस। नंबर 1 पर नाम आता है आमना शरीफ का। कसौटी जिंदगी के सीजन 2 में कमौलिका का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री आमना शरीफ का नाम इस लिस्ट में सबसे पहले आता है। इन्हें सबसे पहले कुमकुम भाग्य शो में प्रज्ञा का किरदार ऑफर हुआ था, क्योंकि शो के मेकर्स चाहते थे कि आमना शरीफ प्रज्ञा बनकर टीवी पर अपनी वापसी करें, पर उस समय ये टीवी इंडस्ट्री पर वापसी नहीं करना चाहती थी, इसलिए इन्होंने प्रज्ञा के रोल को ठुकरा दिया था। इस तरह इन्होंने हाथ आया अपना अच्छा मौका गवा दिया, पर अब आगे जाकर ये शो दर्शकों का फेवरेट बन गया। तो शो की पॉपुलैरिटी को देखकर इन्हें इस शो को ठुकराने में अपने फैसले पर काफी पछतावा हुआ कि काश ये 6 साल पहले इस शो के साथ टीवी पर वापसी कर लेती तो आज भी टीवी इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस बन जाती। नंबर 2 पर नाम आता है सनाया ईरानी का। जी हाँ, इस लिस्ट में सनाया ईरानी का भी नाम आता है जो प्रज्ञा के रोल को ठुकरा कर पछता रही हैं। इन्हें ये रोल ऑफर हुआ था, पर इन्होंने ठुकरा दिया ये कहकर कि ये रोल इनके मुताबिक अच्छा नहीं है। ये कुछ अलग तरह के रोल करना चाहती हैं, पर जब शो में प्रज्ञा का यही सिंपल किरदार निभाकर एक्ट्रेस श्रुति झा लोगों की फेवरेट बन गई और एक घरेलू नाम बन गई, तो इन्हें इस रोल को ठुकराने का काफी दुख हुआ था, क्योंकि इन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया था। इनका मानना है कि प्रज्ञा के रोल को ठुकराना इनके लिए सबसे बड़ी गलती थी। अगर सनाया ये गलती ना करती तो आज श्रुति झा की जगह प्रज्ञा के किरदार के साथ टीवी की नंबर 1 एक्ट्रेस बन जाती। नंबर 3 पर नाम आता है देवोलीना भट्टाचार्य का। गोपी बहू के किरदार के साथ घर घर में प्रसिद्ध हुई अभिनेत्री देवोलीना भट्टाचार्य को प्रज्ञा बनने का मौका मिला था, पर इन्होंने हाथ आए इस मौके को यूं ही गवा दिया था, क्योंकि ये उस समय अपने लोकप्रिय सीरियल साथ निभाना साथिया में बिजी चल रही थी और अपने इसी बिजी स्केड्यूल के कारण इन्होंने प्रज्ञा के रोल को ठुकरा दिया था। पर इन्हें इस रोल को ठुकराने का बहुत बड़ा पछतावा होता है, क्योंकि आज इस शो को 6 साल हो गए हैं और फिर भी ये शो लोगों का फेवरेट बना हुआ है। अगर ये थोड़ा सा टाइम निकाल कर प्रज्ञा के रोल को एक्सेप्ट कर कुमकुम भाग्य शो कर लेती तो आज इन्हें काम के लिए मोहताज ना होना पड़ता। नंबर 4 पर नाम आता है जेनिफर विंगेट का। टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट भी प्रज्ञा के रोल को ठुकरा कर आज बहुत पछता रही हैं। जब इन्हें शो की मेकर्स ने प्रज्ञा का किरदार ऑफर किया था, तब तो उन्होंने शो की कहानी के साथ रोल को भी बेकार बता के शो के ऑफर को ठुकरा दिया था। पर जब इन्होंने इसी बेकार कहानी वाले शो को नंबर 1 बनते देखा और प्रज्ञा के किरदार में अभिनेत्री श्रुति झा को लोगों की फेवरेट बनाते देखा, तो इन्हें अपने इस फैसले पर काफी पछतावा हुआ। इतना ही इस रोल को ठुकराने के फैसले को दोबारा पाने की कोशिशें करने लगी थी, पर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सी एक्ट्रेस प्रज्ञा के रोल को अच्छे से निभा पाती और प्रज्ञा से भी ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर पाती? आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।